अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आपको मैं खुश आमदीद कहती हूँ बानोस चैनल में और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और आप लोगों ने मेरी वीडियो को देखा भी होगा, ट्राई भी किया होगा और ज़रूर मज़े से लुत्फ़ अंदोज़ हुए होंगे। आज मैं बनाने जा रही हूँ अंडे की मीठी टिकिया, जो मीठी कतलियाँ भी कहलाती हैं। ये मैंने बनाई है अंडे की, जो सर्दियों में बड़े शौक से खाई जाती है। अब हम चलते हैं इसके अज़ा की तरफ। ये है अंडे की मीठी कतलियाँ बनाने के अज़ा। एक दर्जन अंडा मैंने लिया है, 2 कप चीनी ली है मैंने, 1 कप घी लिया है देसी, और मैंने बादाम और पिस्ते को तकरीबन 25 बादाम 25 पिस्ते काट लिए हैं और 10 से 12 मैंने किशमिश ली है। व्यूअर्स, ये जो चीनी मैंने 2 कप ली है, वो चीनी जो है ये हम इस अंडे में शामिल कर देंगे पूरी चीनी को, और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसके बाद इसको हम ब्लेंड करके आपको दिखाते हैं और इसके आगे का प्रोसेस फिर शुरू करेंगे। इसको अब हम सारी इन चीज़ों को मिला के ब्लेंड करते हैं। व्यूअर्स, अंडा और चीनी को हमने मिक्स करके बीट कर लिए। आप ये देखें, बहुत अच्छे से ये बीट हो गया है और बिल्कुल क्रीम की तरह फ्लफी बन गया है। अब हम घी गरम करते हैं, जो 1 कप घी हमने रखा है वो गरम करते हैं। ये हमने घी डाल दिया है, अब ये घी गरम हो जाए हल्का तो फिर हम इसके अंदर अंडे को शामिल करेंगे। व्यूअर्स, ये घी गरम हो गया था, अब इसमें मैंने अंडा और चीनी जो मिक्स करके ब्लेंड करके रखा था वो इसमें शामिल कर दिया है। अब हम इसको रेगुलर चलाते जाएंगे चम्मच, ताकि इसकी गुठलियाँ नहीं बने और ये आराम से ये पकते बगैर गुठलियों के, और ये इसके गुठलियों के बगैर ये बनेगा तो ज़्यादा टेस्टी होता है। आप देखें, अब इसमें मुस्तकिल मैं चम्मच चलाती रहूँगी। व्यूअर्स, ये देखिए मैं मुस्तकिल चम्मच चला रही हूँ और इसमें गुठलियाँ नहीं बनी है, और देखिए कि किस तरीके से, ये देखें आप, बारीक बिल्कुल है, बारीक जैसे मोतियों जैसे होते हैं, बारीक बनी हुई है बिल्कुल। आप देखें आहिस्ता आहिस्ता ये खुश्क भी होता जा रहा है और मैं इसको लगातार चम्मच चलाती जा रही हूँ। व्यूअर्स, आप देखें मुस्तकिल चम्मच चलाने की वजह से इसकी गुठलियाँ नहीं बनी और बिल्कुल बारीक ये मोतियों की तरह ये बने हैं। और आप ये देखिए, इसको मैं भूनती जाऊंगी, जब ये पूरा भून जाएगा सही तरीके से और तेल पतीली तेल जो है अलग हो जाएगा, तो फिर समझेंगे कि ये तैयार हो गया, इसका कलर भी थोड़ा चेंज होगा। बस आप ये देखिए, बिल्कुल ये तैयारी के मराहिल में है हलवा, और इसमें मैं थोड़े से ना जो बादाम पिस्ते और किशमिश थी वो मैंने थोड़ी इसमें डाली है, बाकी मैंने गार्निश के लिए रखी है। अब आप ये देखिए, ये बिल्कुल तैयार हो रहा है, इसको अब मैं खाली भूनूंगी ताकि तेल अलग हो जाए। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत ही लजीज और बहुत ही मज़े की लग रही है, बनी है ये। आप भी टेस्ट कीजिएगा, बनाइएगा, सर्दियों में तो बहुत अच्छे लगते हैं अंडे के हलवे, अंडे की कतलियाँ और दूसरे जो सर्दी के सौगात होते हैं। और मैंने तकरीबन आप लोगों को सब सर्दी के विंटर सीज़न की बल्कि हर चीज़ आपको बना के मैंने दिखाई है, तो आप इसको भी ट्राई कीजिएगा, ये भी देखिए कैसी बनती है। व्यूअर्स, ये बिल्कुल भून गया है, आप देखें कि तेल मैं ये लगा रही हूँ तो मेरे हाथ में तेल लग रहा है और देखें तेल साइडों से भी हट रहा है, तो इसका मतलब है कि ये अब तैयार हो गया है बिल्कुल। अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाऊँगी, डिश आउट करके अंडे की कतलियाँ डिश आउट की, इसको हम आपको दिखा रहे हैं। इसको हमने गार्निश भी कर लिया है बादाम से और पिस्ते और बादाम से और थोड़े किशमिश से भी, और इसकी मैंने कतलियाँ भी बना ली हैं। अब मैं आपको कतलियाँ निकाल कर दिखाती हूँ कि किस तरीके से निकाल के रखी जाती है। व्यूअर्स, अब ये देखिए कतलियाँ मैं आपको निकाल के दिखा रही हूँ कि ये कितने आरामदेह तरीके से निकल रही है, और ये हमने इसी तरह इसको जब ये ठंडा हो गया तो हमने इसको इस तरीके से काट के रखा है। आप इसको बनाकर आप ये देखें कितनी खूबसूरत लग रही है ये कतलियाँ। आप इसको इस तरह बना के जार में भी रख सकती हैं और हफ्ता 2 हफ्ते तक तो आप इसको आराम से यूज़ कर सकती हैं, खा सकती हैं।
तो ये बहुत ही लजीज और बहुत ही आसान ये अंडे की टिकिया है और ये सर्दियों में ज़रूर बनती है सबके घरों में। व्यूवर्स आप भी बनाइए और आप भी ट्राई कीजिए इसको, मैंने भी बनाया और ये बहुत ही आसान है। वीडियो को देखिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स में, रिलेटिव्स में शेयर कीजिए, इंस्टा पर फॉलो कीजिए और मुझे अपनी कमेंट्स अपनी राय ज़रूर आगाह कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो पे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।